हेलो एवरीवन, आज है 13 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पाइस जेट के बारे में। देखिए, 51 रुपीज के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिली है, बाद में हल्की सी गिरावट भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पाइस जेट के शेयर को इस वक्त खरीदना कितना सही रहेगा और जिन्होंने खरीदा है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, स्पाइस जेट 51 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में आप देख सकते हैं कि शेयर में 20% का ग्रोथ जरूर है। 40 रुपए के ऊपर शेयर था, उसके बाद एक बड़ी रैली आई थी, 56 रुपीज के ऊपर गया, गिरावट आई है, अभी 51 रुपीज के आसपास है। और पिछले, अगर हम जनवरी इस महीने से अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि शेयर 32 रुपए तक का लो बनाया था, बाद में एक बड़ी रैली आई, 48 रुपीज तक पहुंचा, वापस गिरा, 40 रुपए से भी नीचे ये शेयर टूट गया, फिर से एक तेजी आई, 45 रुपीज तक गया, फिर से ये शेयर 40 रुपए पर टूटा, फिर से एक रैली आई है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जब से ये कोविड की वजह से गिरावट आई है तब से मैं स्पाइस जेट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और पिछले काफी दिनों से अगर मेरी यहाँ पर बाइंग रेटिंग थी, जब शेयर 35 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, जब शेयर 48 पे गया, तब मैंने कहा था कि अगर आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। जब शेयर 44-45 पे था तब मैंने कहा था। बाद में गिरावट जब आई थी तब अगेन मैंने बाइंग की रेटिंग यहाँ पर दी थी, यहाँ 39 या 40 रुपीज के आसपास मेरी बाइंग रेटिंग थी। शेयर में काफी बड़ी तेजी आई, जब शेयर 50 रुपए के ऊपर निकल गया तब मैंने कहा था यहाँ पर कि अगर आप चाहे तो बेच सकते हो। और उस वक्त मैंने कुछ रीजंस भी दिए थे कि एयरलाइन स्टॉक में अभी क्यों उतना खासा एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिलेगा, उसके बारे में भी मैंने बताया था। और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर गिरावट भी है। यहाँ पर मैंने कहा था कि भैया अगर आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि शेयर में शॉर्ट टर्म के लिए एक गिरावट हमें देखने को मिलेगी, और उसका मैंने रीजंस भी दिया था। उसके बारे में हम बात करें उससे पहले आप देखिए, पिछले एक साल का इसका परफॉर्मेंस जो है 63% की गिरावट है, 150 रुपए से शेयर कंटिन्यू से टूटा है, 32 रुपए पर आया, बाद में बढ़िया बाउंस बैक भी किया। यहाँ पर 10 साल की अगर हम बात करने जाए तो स्पाइस जेट में पिछले 10 साल में 7.5% की गिरावट है। चार्ट देखकर आप समझ सकते हैं कि ये वो शेयर नहीं है जिसको खरीदने के बाद आप ये कह सकें कि भैया 5 साल के लिए भूल जाओ, 10 साल के लिए भूल जाओ, बढ़िया पैसा बनेगा। जी नहीं, ये वो शेयर है जिसमें आपको गिरावट आने पर खरीदारी करनी है, प्रॉफिट आने पर बेच के निकल जाना है, प्यार नहीं करना है इस शेयर से हमें कि भाई कि मैं तो इसको रखूंगा ही रखूंगा। जी नहीं, गिरावट आई है खरीदो, दबा के खरीदो, तेजी आ जाती है ना तो बेच के निकल भी जाओ वहां पर, क्योंकि वापस शेयर नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, आपको फिर से खरीदारी के मौके मिलेंगे, वापस जब तेजी आए फिर से बेच दो, फिर जब नीचे जाने ही वाला है ये शेयर तब आप चाहे तो फिर से खरीद सकते हो, तेजी आने पर फिर से आप यहाँ पर बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो यहाँ पर। तो वो चीज है, इसको आपको 5 साल 10 साल के लिए होल्ड नहीं करना है, गिरावट पे खरीदारी करनी है, प्रॉफिट आने पर बेच के निकल भी जाना है यहाँ पर। और आप खुद देख सकते हो कि एक बहुत बड़ी गिरावट पहले भी आ चुकी है, लेकिन बाद में शेयर ने बाउंस बैक भी किया है और बाउंस बैक के बाद वापस नीचे टूटा भी है ये शेयर। स्मॉल कैप स्टॉक है, तकरीबन 3,000 करोड़ के आसपास है इसका मार्केट कैप है। एनएसई में अगर हम देखें तो 34 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 59.93% की होल्डिंग है, एफआईआई के पास 1.71% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 10.28% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर प्रमोटर कौन है, अजय सिंह है, जिनके पास 50.72% की होल्डिंग है, उनके द्वारा प्रमोटर के द्वारा तकरीबन 44% जितनी होल्डिंग गिर भी है। 9 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 60 FIIs ने भी यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो HDFC ट्रस्टी कंपनी, जिनके पास 5.64% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 22.75% के आसपास है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, एयरलाइन गेन मोस्ट मार्केट शेयर आफ्टर डोमेस्टिक फ्लाइट रिज्यूम। तो देखिए अभी क्या है, अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो बैन ही है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स चल रही है लेकिन वो भी उतनी एक्टिवली नहीं चल रही है, काफी सारी फ्लाइट्स बैन भी हो रही है। अभी की अगर हम बात करने जाए तो काफी सारी फ्लाइट्स है जो बैन हो रही है और काफी कम फ्लाइट्स चल रही है, उतनी ज्यादा फ्लाइट्स चल भी नहीं रही है। तो एयरलाइन में एक तेजी आई थी, अगर आप यहाँ पर देख, अगर मैं आपको यहाँ पर इसका चार्ट दिखाऊं तो एयरलाइन में एक तेजी आई थी, बड़ी रैली आई थी जब डोमेस्टिक फ्लाइट्स को खोल दिया गया और कहा गया कि भैया अब आप सफर कर सकते हो, जा आपको जहां जाना है वहां पर जा सकते हो,
इंडिया के अंदर, तो एक बड़ी रैली यहाँ पर जरूर आई थी। लेकिन हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि फ्लाइट चल तो रही है लेकिन कितने दिन चलेगी, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है लोग अभी टिकट बुकिंग वही लोग करा रहे हैं जो किसी और शहर में फंसे हुए हैं। जैसे बेंगलोर का कोई आदमी दिल्ली में फंसा हो, दिल्ली का कोई आदमी मुंबई में फंसा हो, मुंबई का कोई आदमी हैदराबाद में फंसा हो, हैदराबाद का कोई आदमी अगर मान लो बेंगलोर में फंसा हो, तो उनको भैया अपने घर जाना है, तो घर जाने के लिए उन्होंने फ्लाइट की टिकट बुक करवा दी, फ्लाइट से वो लोग पहुंच भी गए। अब वो बंदा दोबारा कभी ट्रैवल नहीं करने वाला है आने वाले कुछ महीनों तक। तो एयरलाइन का जो बिजनेस है, जब से अनलॉक के फेज में हम लोग आए हैं, तो एयरलाइन का जो बिजनेस है वो मुझे लगता है कि उससे वो एक सीमित पीरियड के लिए है। जब लोग एक अब जिनको जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे, बाद में कोई फ्लाइट्स अगर चल भी रही होगी ना तो भी कोई उसमें जाने वाला नहीं है। पहली चीज हमें ये समझनी होगी। दूसरी, 3 लाख तक कोविड के केस हो चुके हैं इंडिया में, 3 लाख तक। तो काफी जगह ये भी संभावना बताई जा रही है कि लॉकडाउन है वो फिर से लगने के चांसेस है। चाहे अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में ऑलरेडी केसेस ज्यादा आउटब्रेक अभी भी हो रहे हैं, तो लॉकडाउन लगाने की बातचीत चल गई है वहां पर, इवन शुरू भी हो चुका है। तो हो सकता है कि इंडिया में भी अब जब इतने सारे केसेस हो चुके हैं तो लॉकडाउन हो सकता है कि लगता हुआ आने वाले कभी भी लग सकता है यहाँ पर। तो एक चीज है कि अगर ऐसा हुआ तो याद रखिए एयरलाइंस के जो स्टॉक है वो सबसे पहले टूटेंगे। और दूसरी बात है कि इनका जो बिजनेस है वो बहुत ही लंबे वक्त के लिए अफेक्ट हो चुका है, ऑलरेडी अफेक्ट हो चुका है। यहाँ पर अगर मैं स्पाइस जेट की बात करूँ तो मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि काफी सारी जो एयरलाइंस इंडस्ट्रीज जो जो इंडिया में काम करती है उसमें से 50% से भी ज्यादा का जो मार्केट शेयर है वो इंडिगो का है, 5.45% का मार्केट शेयर है विस्टा का है, एयर इंडिया के पास 5.80% का मार्केट शेयर है, गो एयर के पास 10.12% का मार्केट शेयर है, एयर एशिया इंडिया के पास 12.65% का मार्केट शेयर है, और इंडिगो के बाद सबसे ज्यादा मार्केट शेयर स्पाइस जेट के पास है, 14.67% का मार्केट शेयर है इनके पास। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो स्पाइस जेट का मार्केट शेयर 15% भी नहीं है, ये बात हमें समझनी चाहिए। और लेकिन हाँ ये बात नहीं, ये मैं जरूर कहूंगा कि बढ़िया कंपनी है ये, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ कंपनी में कोई दिक्कत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी अच्छी इनकी है, और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 33% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम और तरफ आप अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिसंबर क्वार्टर में तकरीबन 78 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया है, हालांकि सितंबर में 460 करोड़ का लॉस भी हुआ था इनको, जून में 260 करोड़ का मुनाफा था, मार्च में 72 करोड़ का मुनाफा था, जून पिछले दिसंबर 2018 में 65 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। मार्च के अभी तक नतीजे नहीं आए हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं आने वाले हैं, ये बात भी श्योर है। मार्च के नतीजे उतने अच्छे नहीं आएंगे मार्च क्वार्टर के, और जून के नतीजे तो भैया बहुत 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 बुरे आने वाले हैं, क्योंकि सारी की सारी फ्लाइट्स बैन थी, बंद थी अप्रैल और मई महीने में। जून में खुली जरूर है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है, और उतनी ज्यादा एक्टिवली काम भी नहीं कर रही है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 60.03% की होल्डिंग दिसंबर 2018 तक हुआ करती थी, अब वो 59.93% की होल्डिंग है, तो प्रमोटर की होल्डिंग गिरी जरूर है। और तो और प्रमोटर के द्वारा पहले 39.34% की होल्डिंग गिर भी थी, आज 44% की होल्डिंग गिर भी है, तो प्रमोटर की होल्डिंग भी गिर भी ज्यादा हुई है, और शेयर्स भी अगर हम बात करें तो प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग गिराई भी है। एफआईएस के पास जो पहले 3.96% की होल्डिंग थी वो 1.71% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 5.78% की होल्डिंग भैया 10.28% तक पहुंच चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है इनकी होल्डिंग, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग काफी ज्यादा बड़ी है यहाँ पर। तो देखिए एक चीज यहाँ पर हमें समझनी चाहिए स्पाइस जेट के बारे में, मैंने पहले भी कहा था जब 55 रुपीज के लेवल पे था तब मैंने कहा था कि अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर सकते हैं, और अभी भी मैं कहूंगा कि अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से कर सकते हैं। रीजन ये है कि देखिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो तो खुलने से रही, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, डोमेस्टिक फ्लाइट्स चल रही है, बहुत कम फ्लाइट्स चल रही है पहली चीज। दूसरी चीज, मार्च क्वार्टर के नतीजे आएंगे, अभी तक डेट सामने नहीं आई है लेकिन आएंगे तो उतने अच्छे नहीं आएंगे, और जून के तो बहुत बुरे आने के चांसेस है। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि शॉर्ट टर्म में ये शेयर में गिरावट हमें देखने को मिलेगी, मुझे लगता है कि शेयर 45 रुपीज तक जा सकता है यहाँ से, तो अगर आप चाहे
तो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जिन्होंने निचले लेवल पर खरीदा है वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो 45 रुपीज के प्राइस पर अगर चाहे तो एंट्री ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करना। अगर आपको यहाँ पर 500 शेयर खरीदने हैं तो पहले 100 शेयर 45 रुपीज के लेवल पर अगर आप चाहे तो खरीद सकते हैं। उसके बाद अगर थोड़ी गिरावट आती है तो थोड़े और शेयर यहाँ पर आप खरीद लीजिए, फिर वेट करें। थोड़ी और गिरावट आती है तो थोड़ी और क्वांटिटी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। स्पाइस जेट कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ, बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर है। बस COVID-19 के चलते इनका बिजनेस काफी हद तक अफेक्ट हुआ है, काफी हद तक इनका बिजनेस अफेक्ट हुआ है। तो इसीलिए अभी के तौर पर मैं फ्रेश बाइंग की सलाह यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी शेयर में काफी बड़ी रैली आ चुकी है और यहाँ से थोड़ी गिरावट की तरफ ये शेयर जा सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो इसलिए मैं अभी बाइंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। लेकिन जिनका लंबी दूरी का नजरिया है, मान लीजिए अगर आपका 1-1.5 साल का नजरिया है यहाँ पर और आप अभी भी थोड़े लॉस में हो, तो आप चाहे तो बने रह सकते हो। कोई पैनिक करने की यहाँ पर बात नहीं है। वक्त रहते जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, शेयर में तेजी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में तो गिरावट आनी तय है। 45 रुपीज तक ये शेयर जाएगा, 50 का लेवल तोड़ेगा जरूरी है शेयर। तो इसी बार वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और स्पाइस जेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।